कुछ लोग तो जरा सी बात को बहुत दूर तक ले जाते हैं, अगर उनसे छोटी सी बात कोई पूछ दीजिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैलकुलेशन करते हुए पहुंच जाते हैं। एक बार ऐसे ही चतुर सुंदरम ट्रेन में जा रहे थे और एक बुजुर्ग सज्जन के पास बैठ गए। चतुर ने पूछ लिया कि भैया टाइम क्या हो रहा है। उन्होंने कहा टाइम पूछना तो कंडक्टर से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपसे ही पूछ लिया तो इसमें गलत क्या है, इसमें बता दीजिए आप टाइम क्या हो रहा है, इसमें इतना नाराज़ होने की जरूरत। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ आप जैसे लोगों को, आप पहले मुझसे टाइम पूछेंगे, फिर आप बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आप पूछेंगे मैं करता क्या हूँ, फिर आप पूछेंगे कि मैं रहता कहाँ हूँ, फिर मेरी फैमिली में कौन कौन है, फिर जब मैं बताऊँगा कि मेरी फैमिली में इतने सारे लोग हैं और मेरी एक सुंदर सी बेटी भी है जो अभी बी ए एम ए में पढ़ रही है, तो फिर आप बहाना ढूंढेंगे, आप उस शहर में आएंगे तो आप फिर किसी बहाने से मेरे घर आएंगे कि अरे अरे मैं तो यहाँ आया था तो मिलने चला आया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप मेरी बेटी से दोस्ती बढ़ाएंगे और उसके बाद जो होगा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चतुर ने केवल बेचारे ने एक बात पूछी थी कि टाइम क्या हो रहा है, और सज्जन उसको लेकर कहाँ तक चले गए। तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जरा सी बात को बहुत दूर तक ले जाते हैं। इतनी सी बात से खत्म हो जाना था, उसने पूछा था क्या टाइम हो रहा है, आप कह देते 8:30, बात खत्म। लेकिन नहीं, अब पूरी एनालिसिस, वो जासूसी दुनिया पढ़ने वाला जो माइंड होता है कि भाई अब इसने पूछा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात, कोई अल्टीरियर मोटिव्स, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। ये सब हमारे दिमाग का फितूर है। उसने इतनी सी बात पूछी, उतना सा जवाब था, फिनिश करिए और आगे बढ़िए। लेकिन आप लगातार 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 आप विचारों के प्रभाव में बढ़ते चले जाते हैं। तो जब आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, एक बड़ा सुंदर सी लाइन थी, हम लोगों ने कहीं किसी फिल्म की ही लाइन है, किसी पोइट्री की, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल से आग पानी में, बदल दे रास्ता अपना घटाएं मेहरबानी में। तो कभी तो बहुत सोचते हैं आप, कहते हैं ये जुमला भी कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि, तो कभी तो बहुत दूर की कौड़ी लाते हैं, उनका काम ही इस तरह से सोचना। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचते हैं लगातार अब सामान्य जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में, तो एक मुश्किल समस्या होती है। तो सवाल है कि इसका उपाय क्या है। उपाय पहले तो एक सलूशन वही है कि पास की चीज़ों को वहीं छोड़िए कि जो चीज़ हो गई, जो बीत गई सो बात गई, और फ्यूचर के बारे में ये सोचिए कि यार अभी तो ये आया नहीं, जब आए गए तब देखी जाएगी, तब देखी जाएगी, अभी से परेशान होने की क्या ज़रूरत है। दूसरी ये कि जब प्रभाव विचारों का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो अपने को साक्षी भाव में लाएं, विटनेस के रूप में प्रस्तुत करें। कैसे करेंगे, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप प्रवाह में बहते चले जाते हैं, आप अपने को रोकें, अरे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, और मैं ऐसा क्या क्या सोच रहा हूँ, मैं और मेरे विचार अलग हैं, अच्छा तो मैं इस तरह सोच रहा हूँ, अच्छा तो इस बारे में मैंने ऐसे ऐसे यहाँ तक अपनी यात्रा कर ली, यहाँ तक पहुँचा लिया। बुद्धिस्ट सिस्टम में विपश्यना में आप जाएंगे तो आपको ये सब पता चलेगा कि अपने विचारों को ही खुद खड़े होकर देखना। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप साक्षी भाव से अपने को देखें, अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने एक्शंस को, आप साक्षी भाव से जब देखते हैं तो आप और आपके विचार थोड़े अलग हो जाते हैं, और जब थोड़ी सी दूरी होती है तो आप पर अटैक नहीं कर पाता।